Hi guys, it's raining really heavily here, so I've got the camera quite close to me and I'm speaking up. We're waiting for Gaurav to join us. He has a couple of questions. I'll paste his WhatsApp message here, just a second. Okay, let's see if Gaurav manages to come online. What do you want? You want? Great. You're not going to talk now. 12 hours. That's 15 minutes. Hi Gaurav. Hello. Hello. आवाज आ रही है मेरी? Hello. Hello, मेरी आवाज आ रही है? Yes, Yogin भाई, I can hear you. Hi. बाहर बहुत भारी बारिश हो रही है. अरे भी आपकी दुकान ये रहा. पानी का फॉल किया है. आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, मेरे को आपकी आवाज आ रही है. बस ठीक है. हाँ, तो पहला मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में बताता हूँ. मतलब मैं कोई फास्टिंग वास्टिंग ऐसा कुछ करता ही नहीं हूँ. जब भूख लगी तब खा लो. सो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ इंटरमिटेंट फास्टिंग. लेकिन सुबह उठने के बाद मेरा खाना कम ही रहता है. दोपहर तक कुछ खास खाना नहीं होता. थोड़ा बहुत केला वेला हो गया वही. बाकी फास्टिंग जैसा अपने आप ही हो जाता है, क्योंकि इतनी सारी एनर्जी होती है सुबह के, वो काम चलता रहता है, वर्कआउट चलता रहता है. सो फास्टिंग जैसा ही हो जाता है, पर मैं फास्टिंग समझ के नहीं करता. आप कल का वीडियो देखेंगे जो मैं ऋषभ के साथ बात कर रहा था, तो उसमें जैसे मैंने बताया, मेरा एक ही रूल है कि सुबह उठ के जल्दी से जल्दी हो सके उतना 1 लीटर पानी पी लेना है बस. बाकी हाँ. फिर पूरा दिन जब भूख लगी तब खाते रहो, और कुछ है ही नहीं. सेकेंड जो क्वेश्चन है, कितना फ्रूट्स कितना वेजिटेबल्स. सो आई एम ट्राइंग 70% वेजिटेबल्स 30% फ्रूट, और अभी हो सके तो नट सीड्स वगैरह भी बंद कर दे सकता हूँ, उसकी कोई जरूरत है नहीं. सो सीजनल वो जो फॉर एग्जांपल मैं जो आजकल ले रहा हूँ, अभी जो मैंने पिछले मेरा फ्रूट बेस्ड ज्यादा है. सो इस तरह का कोई रेशियो हमें ध्यान रखने की जरूरत है, फिर जो आपको लगे कि हाँ खाना है तो खाना है, कोई दिक्कत हाँ, है ना. 70% वेजिटेबल्स 30% फ्रूट्स, यानी रेशियो रखना है हमें ज्यादा वेजिटेबल्स की तरफ. हाँ हाँ, वेजिटेबल्स की तरफ ज्यादा. एग्जैक्टली. फाइबर और रफेज और वो सब ज्यादा होता है ना, इसलिए. सो बस इसी वजह से, या फिर और भी कोई रीजन है कि वेजिटेबल ज्यादा, जैसे कि ओवर शुगर या ये सब कोई? नहीं, फाइबर फाइबर ज्यादा मिलता है और कुछ नहीं, फाइबर. ओके. और सीजनल वेजिटेबल्स सीजनल फ्रूट से ज्यादा आते हैं. सीजनल वेजिटेबल्स आपको बहुत वैरायटी मिलेगा, सीजनल फ्रूट में इतना वैरायटी नहीं मिलेगा. विंटर में आपको ज्यादा ज्यादा सेब मिलेगा, और क्या मिलेगा. समर में होगा तो तरबूज मिलेगा, और क्या मिलेगा. लेकिन आप सब्जियों को आपको सीजनल वैरायटी, क्योंकि वैरायटी उतना इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको वैरायटी ज्यादा मिलेगा सीजनल वेजिटेबल्स में. अच्छा, अपना जो डाइट होना चाहिए वो वेजिटेबल बेस्ड होना चाहिए. करेक्ट करेक्ट. हाँ, परफेक्ट. फ्रूट बेस नहीं, फ्रूट का बेस है ही ना, 30% इज अ बिग पार्ट. ओके. नहीं, अभी तक तो जो पिछले लास्ट 1 मंथ से मैं जो फॉलो कर रहा हूँ उसमें फ्रूट मेन मेरा काम कर रहा है, अगर आपके लिए तो सही है. बट आप रिसर्च करोगे तो दे विल टेल यू कि वेजिटेबल सबसे ज्यादा होने चाहिए, सबसे ज्यादा वेजिटेबल. इवन मीट ईटर्स को बोलते हैं कि आप मीट के साथ वेजिटेबल्स खाओ. सो वेजिटेबल का रेशियो थोड़ा ज्यादा रखना है 50% से, और ऑटोमेटिकली फ्रूट का 50 से थोड़ा कम हो जाएगा. हाँ ठीक है, ये चीज ध्यान रखेंगे. और तीसरा आपका क्वेश्चन था, एक सेकेंड ना, तीसरा क्वेश्चन क्या था? ये स्क्रॉल नहीं हो रहा है, एक मिनट. हाय अंश, क्वेश्चन कैसे दिखाएंगे? हाँ ये रहा. और थर्ड क्वेश्चन है, हाउ मच टाइम डिड टुक यू टू गेट कंप्लीटली हील्ड
मेरे को तो ये पूरा प्रोसेस डिस्कवर करने में सालों लग गए, क्योंकि मैंने तो ये पूरा एक ऑनलाइन रेवोल्यूशन है पूरा ये फूड पे, वो सब मुझे पता ही नहीं था। मैंने तो सब अपना ग्राउंड फ्लोर से ही सारा रिसर्च, फर्स्ट प्राइमरी रिसर्च ही किया है पूरा का पूरा, इसलिए मुझे तो बहुत टाइम लगा। पर अगर कोई इस डाइट पे आ जाता है तो आई थिंक विद इन 3 डेज आपको फर्क दिखना शुरू हो जाना चाहिए, क्योंकि आपका जो गट का बैक्टीरिया है वो 3 दिन में चेंज हो जाता है आपके डाइट चेंज होने के बाद। और गट का बैक्टीरिया चेंज हो गया तो अभी जो बैक्टीरिया है जो एसिड ज्यादा बनाता है वो बैक्टीरिया कम हो जाएगा और अल्कलाइन बनाने वाले बैक्टीरिया बढ़ जाएंगे, तो 3 ही दिन में पेट का इन्फ्लेमेशन कम होने लगेगा, तो ओवरऑल इन्फ्लेमेशन कम होने लगेगा। लेकिन एक्चुअली वो गट बहुत टाइम तक इन्फ्लेम रहने के कारण ही अपना ऑटो इम्यून ट्रिगर हो गया है। सो अभी उसका अपन बेस्ट वही कर सकते हैं कि इन्फ्लेमेशन गट में कम होगा तो ओवरऑल स्पाइन में जो इम्यून सिस्टम ओवर रिएक्ट कर रहा है वो कम करता रहेगा। बट अनफॉर्चुनेटली अपने सबके केस में वही हुआ है कि वो गट इतना ज्यादा टाइम तक इन्फ्लेम था वो गर्म तेल और पका हुआ खाने से कि अपना इम्यून सिस्टम अब परमानेंटली वो ट्रिगर हो गया और हमको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो गया है। सो फाइबर से ही वो ठीक होगा, और कोई रास्ता ही नहीं है फाइबर के सिवा ठीक करने का। फाइबर को अपना मेन वो बनाना पड़ेगा, एंड फाइबर में भी वेजिटेबल्स के और आते ही है, जैसे सीजन होता है समर का जो वेजिटेबल्स आते हैं उसमें पानी ज्यादा होता है, विंटर के वेजिटेबल्स आते हैं वो चौली मटर वगैरह उसमें प्रोटीन ज्यादा होता है, तो सीजनल वेजिटेबल्स के हिसाब से आपको सब मिल ही जाएगा। ठीक, यही मैं मेन पूछना चाह रहा था, क्योंकि मेरा जो फॉर एग्जाम्पल अभी मैं अब पता नहीं पहले इतना स्वीट टूथ नहीं था, लेकिन जब से मैं रॉ पे आया हूँ मेरे को फ्रूट्स वगैरह अब नेचुरली फ्रूट ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं, तो मैं अब जैसे अभी भी और वो अट्रैक्टिव आपको लगेगा क्योंकि वो जो सब्जियां होती है उसमें शुगर कम होता है, इसलिए सब्जी आपको जैसे आप बैंगन खाओगे, कल के मेरे वीडियो में देखा था ना मैं बैंगन खा रहा था, तो बैंगन खाना इजी नहीं है काफी लोगों के लिए, पर अभी वो आदत पड़ गई, जैसे ककड़ी जैसा ही होता है पर थोड़ा अलग होता है। वही वही मेरे को इतना वो नहीं लगता है सब्जी खाने में, प्रॉब्लम कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है कि मेरे को इवन करेला भी मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं करता, प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बट वो ये कि एक नेचुरल इंस्टिंक्ट और इंक्लिनेशन टाइप का लगता है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैंने बनाना खाया और एक दो नहीं खाए, जैसे मैं कल आपको सुन रहा था दो बनाना खा के सब दुख है, मैं जब बनाना खाने बैठता हूँ तो मैं पूरा एक दर्जन भी गया और उससे ज्यादा मैं गिनता नहीं हूँ, मतलब चल रहा है रखा है। उसमें होता क्या है गौरव सर कि आपका बॉडी को अपने इवोल्यूशनरी अपना अट्रैक्शन है शुगर के साथ, क्योंकि शुगर से एनर्जी मिलती है, इसलिए मीठी चीज हो सके उतनी एक साथ दबा लो, ये हम जब से जंगल में रहते थे तब से हमको आदत है, क्योंकि फ्रूट्स कम होते हैं और वेजिटेबल्स ज्यादा होते हैं, पर उस टाइम पे अपने वेजिटेबल्स बहुत ज्यादा खाते थे, इसलिए कभी कभी आपने इतना सारा फ्रूट जब मिल गया तो खा लिया, पर अभी आपके पास पैसा है और आप फ्रूट खरीद खरीद के खा रहे हैं तो फिर उसका कोई एंड ही नहीं होगा। वैसा क्योंकि हमारे बॉडी को नेचुरली शुगर पसंद होता है, क्योंकि शुगर से आपको वो ग्लूकोज सुक्रोज फ्रुक्टोज ये सारे शुगर्स मिल जाते हैं, एनर्जी मिल जाती है इंस्टेंट ग्लूकॉन डी जैसा। Do you feel it harms somewhere in long run or something like this, for example? I think yes, in that sense, क्योंकि आप जितना फल ज्यादा खा रहे हो उतना सब्जी कम खा रहे हो ना, तो वो हार्म हो ही गया, वो अपना फाइबर आपको कम मिलेगा उतना। So it will take more time to heal, and otherwise there is no specific bodily harm like eating a junk food. है ना, उस तरह का कोई हार्म तो सवाल ही नहीं है। गरम तेल तो आप नहीं खा रहे हो ना, आप गरम तेल नहीं खा रहे हो मतलब आप बच गए, इन्फ्लेमेशन से बच गए। डेड फूड नहीं है, तेल नहीं है, और जो रिफाइंड शुगर नहीं है वो नहीं है, तो इन्फ्लेमेशन नहीं होगा, बट हीलिंग विल टेक लॉन्गर टाइम, दैट मींस दैट लाइक दिस। हां, आप जितना फाइबर दोगे उतना फास्ट हो जाएगा। ओके, मैं तो इंटरमिटेंट फास्टिंग करता हूँ, अब तो मेरा नॉर्मल शेड्यूल सा ही बन गया, और जिस दिन फॉर एग्जाम्पल की भूख लगे तब खाओ, अभी फास्टिंग वास्टिंग तो कुछ जरूरत नहीं होती, अपने यंग यार आप 28-29 में क्या फास्टिंग वास्टिंग, जैसे दवाई की जरूरत नहीं वैसे ही फास्टिंग की जरूरत नहीं है। हाँ वो तो है, ये तो है, वो मैं सोच रहा हूँ कि जब एक बार जब थोड़ा सा नॉर्मल डे टू डे रूटीन, फॉर एग्जांपल जब आप पेन फील नहीं कर रहे हैं, रिकवर फील कर रहे हैं, तब यू कैन गो टू दैट लाइन कि अब मेरे को, क्योंकि अभी तो एक्स्ट्रा एफर्ट डालने के लिए मैं ये सब कर रहा हूँ ना कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट दिया जाए, ठीक हो जाए। हाँ हाँ, क्योंकि ये डिस्कम्फर्ट स्पेशली इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग सबसे वर्स्ट होती है, बाकी तो जैसे जैसे डे आगे बढ़ता है बॉडी एडजस्ट होती है, बॉडी ओपन होती है, पर आप रात को जितना सब्जी वगैरह फाइबर खा के सोओगे उतना सुबह आपको अच्छा रहेगा, देखना आपका वो पॉटी वगैरह अच्छा हो जाएगा तो बहुत अच्छा फील होगा आपको। चलो फाइबर ये भी एक ट्राई करते फर्क होता है। हाँ, आज मैंने लंच में वही खाया ना, लंच में मैंने 200 ग्राम जितने टिंडे खाए और 3 एक बैंगन खाए तो हो गया लंच, और फिर थोड़ा ड्राई फ्रूट खा लिया ऊपर तो हो गया।
हाँ सही है। मैंने भी, मैं अब जैसे आप तो नहीं खाते स्प्राउटेड, लेकिन मेरा तो, मैं स्प्राउट करता हूँ, तो मैंने रख रखा था, तो ऑलरेडी मेरे ये अल्फा अल्फा के सीड स्प्राउट हो चुके हैं, चना भी हाँ स्प्राउट हो चुका है, तो दोनों में से कुछ, और हाँ उसमें फिर वेजिटेबल मिक्स करके खूब सारा वेजिटेबल डाल के खा लूंगा परफेक्ट, मैं। हाँ बेस्ट बेस्ट, हाँ इस ठीक तरीके है से ना। खा लूंगा ये यही। और कोई क्वेश्चन है तो बता पा रहा हूँ। नहीं स्पेसिफिकली तो अभी कोई नहीं, बस वही आप है ये मुझे कि अच्छा लगा, आप मॉर्निंग। ऐसे ही व्हाट्सएप पे भेजते रहो, हाँ और फिर जी मैं टाइम निकाल के शेड्यूल करता रहूंगा, आप व्हाट्सएप पे क्वेश्चंस हेलो, भेजते रहना। हाँ आप क्वेश्चंस व्हाट्सएप पे भेजते रहना, और फिर मैं ऐसे ही कॉल शेड्यूल करके अपन बात करते रहेंगे। बिल्कुल शायद नेटवर्क चला गया था आपका है। हेलो। हेलो, हाँ हाँ आपका हाँ गौरव, बस हम बिल्कुल, डिसकंटिन्यू करें, मेरा एक और कॉल के लिए मुझे प्रिपेयर करना है। अगर आपके क्वेश्चंस हो गए तो मुझे व्हाट्सएप पे आप हाँ ये भेजते हो रहना गए। क्वेश्चंस, ओके ओके भाई, ओके है ना। थैंक टेक केयर यू, डियर। ओके थैंक यू सर। I don't know.